भारत धर्म नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। समय है सन 1630 का। सुनहरा भारत यहाँ तक आते आते आपसी कला और फूट के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका था। पूरा हिंदुस्तान विदेशी शक्ति के सिकंजे में था। दक्षिण में आदिल शाही, निजाम शाही और कुतुब शाही शासकों की अत्याचारी नीतियों से चारों ओर त्राही त्राही मची थी। उत्तर से मुगल पूरे हिंदुस्तान में अपना एक छत्र राज स्थापित करने के लिए परवरता की सारी हदें पार कर रहे थे। भारतवासी अपने ही देश में गुलाम बन के जी रहे थे। ऐसे में एक वीर मराठा ने जन्म लिया। इस धर्म निरपेक्ष योद्धा जीजाबाई और पिता शाहजी राजे भोसले के स्वराज के सपने को साकार किया। उस महान योद्धा का नाम था वीर छत्रपति शिवाजी महाराज।